आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनकी स्किन की प्रॉब्लम, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो सोरिसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, ये कभी ठीक नहीं होती हैं। सबसे पहले नंबर पे वो पेशेंट आते हैं कि जब वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी बीमारी का, स्किन की किसी बीमारी का, तो डोज टाइम टू टाइम लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनकी बीमारी ठीक होने लगती है, रिकवरी होने लगती है, वो फिर लापरवाही करना शुरू कर देते हैं अपनी दवाओं के मामले में। सुबह में डोज ले ली तो शाम में भूल गए, शाम में डोज ले ली तो सुबह में भूल गए, कहीं बाहर चले गए तो पूरे दिन की डोज मिस हो गई। तो इस तरह के जितने भी पेशेंट हैं जो लापरवाही करते हैं, उनकी स्किन की प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होती है। दूसरे नंबर पर वो पेशेंट आते हैं जिनको ये गलतफहमी है कि स्किन की सारी प्रॉब्लम एलोपैथी मेडिसिन से ठीक हो जाती है। 1-2% को छोड़ दूँ तो ओवरऑल 99% पेशेंट एलोपैथी मेडिसिन से स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आज भी आप एलोपैथी मेडिसिन ही ले रहे हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो नेल फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, नहीं चाहे वो स्काल्प पे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे बॉडी किसी से भी फंगल इन्फेक्शन हो, फंगल फंगस, चाहे रिंगवॉर्म हो, ठीक है, चाहे आपका दांत, खाज, खुजली, कैसा भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे सोरेसिस या एक्जिमा है, इसमें आपको कम्प्लीटली एलोपैथी मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, नहीं तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। तीसरे नंबर पर वो पेशेंट आते हैं कि जिनको मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन बताई जाती है, उसके बाद कुछ परहेज़ बताए जाते हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं और ये चीज़ें खानी हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि ये बिना वजह में बता दिए डॉक्टर ने और सिर्फ मेडिसिन से मैं अपना फंगल इन्फेक्शन या स्किन की कोई सी प्रॉब्लम ठीक कर लूँगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से अगर आप परहेज़ करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी खाते हैं, कभी परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होंगी। 4 नंबर पर वो पेशेंट आते हैं जो अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, मैं ऐसा कर लूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर लूँ तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है, नहीं मुझे ये दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये दवा से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएंगे, ये बीमारी कभी ठीक होगी नहीं होगी, ठीक है, नहीं या मैं सारी ज़िंदगी इसी बीमारी में इन्वॉल्व होऊंगा। अगर इस तरह के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं आपकी बीमारी को लेकर, तो इस तरह के पेशेंट का भी ठीक होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। 5वें नंबर पर वो पेशेंट आते हैं जिनको एक सेफ वे में काम करना पसंद है, कि जैसे कि वो एक एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया, फिर सोचा कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन भी मैं लेता रहूं, क्योंकि उससे मुझे रिलीफ तो है, और छोड़ दूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पुराना एक्सपीरियंस है कि जब जब उन्होंने ट्रीटमेंट को छोड़ा है तब तक उनकी प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं कि जो मैं एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ वो भी लेता रहूँ और साथ में डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट ले लूँ, तो इस तरीके से भी आपका फंगल इन्फेक्शन या स्किन की कोई सी बीमारी ठीक नहीं होगी। ये मैंने 5 तरीके पेशेंट देखे हैं अपनी बातचीत के दौरान, जो मेरी पेशेंट से बातचीत होती है, और उससे मुझे पता लगा है कि इस तरह के 5 तरह के पेशेंट होते हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी बीमारी को लेकर। तो अगर आप भी इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं इन 5 में से, तो फिर आपका भी फंगल इन्फेक्शन या स्किन की कोई सी भी प्रॉब्लम, चाहे वो सोरिसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, ये ठीक होना बड़ा मुश्किल है।